हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है आरती का, कहती हूँ जी, मेरी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है, पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले हैं कि शादी की जिद कर लगाए बैठे हैं। मैं अभी बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता मैं किसी का घर संभाल पाऊँगी, और शादी के बाद हर लड़की के ससुराल वाले यही चाहते हैं, उम्र चाहे जो भी हो लड़की की, कि वो उस घर की जिम्मेदारी उठाए। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध लेते हैं, इसलिए मैं अभी तो बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप को कैसे समझाऊँ, वो मान नहीं रहे हैं। आरती जी, आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है जो घर वाले इतना चिंतित हैं। और ये भी है, हर माँ बाप का सपना होता है बच्चे पढ़ लिख लें, शादी कर दें, जिम्मेदारी खत्म। उनकी सोच यही होती है। निर्णय आपको लेना है, आप शादी से साफ मना कर दीजिए। समझा कर कहो मैं शादी तो करूँगी, जैसे कि हर लड़के की होती है, लेकिन कुछ साल और रुक जाइए, मुझे कुछ बनने दीजिए। विश्वास दिलाइए कि आपको उनकी परवाह है, आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो और उनका ख्याल रखोगे। अगर नहीं मानते तो कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसकी बात वो ज़रूर मानते होंगे। आप उनसे अपनी बात बताएं, आपकी बात वो ज़रूर मानेंगे, माँ बाप हैं, कभी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। आज के बदलते दौर को देखकर डर जाते हैं लोग, अदर कास्ट में शादी के लिए राज़ी करा लेते हैं, लव मैरिज के लिए माँ बाप को तैयार कर लेते हैं। तो आप तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, ज़रूर मानेंगे, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। आज का दूसरा सवाल है जानवी का, कहती हैं, लव गुरु जी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ पर शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है वो मुझसे शादी करके रहना चाहता है, समाज में ऐसे नहीं रहेगा। क्या प्यार में शादी ज़रूरी है? बिना शादी के क्यों नहीं रह सकते? मैं दिल से उसे मानती हूँ, उसके अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती, फिर भी शादी की जिद किए है, ऐसा क्यों? जानवी, आपकी सोच अच्छी है, मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन हम जब समाज के बीच में रहते हैं तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। सारे नहीं पर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी अच्छी होती हैं। और आपको नहीं पसंद शादी करना, ठीक है, मत करो। आजकल लोग भी बिना शादी के रह रहे हैं, या तो आप बहुत हाई फाई सोसाइटी के हो, ऐसे में कोई जल्दी उंगली नहीं उठाता। और वैसे भी आजकल के लड़के जल्दी शादी करना ही नहीं चाहते, कुछ दिन का प्यार दिखाते हैं और छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात है, आपका प्यार आपसे इतना प्यार करता है, शादी करना चाहता है। अगर आपको शादी करना नहीं पसंद तो मत करिए, कोर्ट मैरिज करके अपनी अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अपनी सोच, आपकी सोच मुझे अच्छी लगी, हर लड़कियों की सोच से कुछ हटकर सोचा आपने, लेकिन सोचो शादी भी एक ज़रूरी बंधन है, हमारे लिए भी अच्छा होता है और समाज के लिए भी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahiri@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।